क्रोमोसोमल मटेरियल यानी क्रोमैटिन ने अनटैंगल हुआ, कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाए। हर क्रोमोसोम में टू क्रोमैटिड्स हैं अटैच्ड एट द सेंट्रोमियर। इसके बाद सेकंड, सेंट्रोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल्स एंड दे फॉर्म द स्पिंडल अपैरेटस। एंड थर्ड, इन बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोलस ईआर गॉल्जी बॉडी डिसअपीयर। अब सेकंड में क्या होगा, पहले मुझे बताओ यहां पर डीएनए कितना है। आपको उतना ही जितना यहां था, डीएनए में तो कोई फर्क अभी पड़ा ही नहीं है कम ज्यादा, तो यहां अभी भी 4C डीएनए है और क्रोमोसोम नंबर भी अभी भी सेम है, यहां कोई डिफरेंस नहीं आया है इन द प्रोफेज। ठीक है, ये हो गया प्रोफेज। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, दैट इज मेटाफेज। क्या होगा मेटाफेज में, मेटाफेज में बेसिकली दो इवेंट्स होंगे केवल, समझना। सबसे पहले ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, अभी तो इसमें 4 है, हमारा होता तो 46 क्रोमोसोम्स होते, वो सब सेंटर में आके एक लाइन में खड़े हो जाएंगे अच्छे सीधे सादे बच्चों की तरह। तो क्या होगा, चलिए बनाते हैं हम। ये सेल बनाया मैंने, फिर से ये सेल बनाया, अब ये मैं डायरेक्ट बना रही हूं, ये सेंट्रोसोम्स तो है ही, ये पूरा स्पिंडल अपैरेटस बना हुआ है प्रॉपरली, ये बना हुआ है स्पिंडल अपैरेटस लाइक दिस, और सारे के सारे 4 के 4 क्रोमोसोम्स सेंटर में आके अरेंज्ड हो गए हैं लाइक दिस। ये 1 क्रोमोसोम, देन सपोज यहां पर है ये 2 क्रोमोसोम, ये 3 क्रोमोसोम और ये 4 क्रोमोसोम। ये जो इक्वेटर पर आकर अरेंज हुए हैं सेंटर पर, इसे मेटाफेजल प्लेट कहते हैं, मेटाफेज प्लेट या मेटाफेजल प्लेट एक ही बात है, इक्वेटर प्लेट भी कह सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट इवेंट क्या हुआ है, आइए लिखते हैं। ऑल द क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स ऑल द क्रोमोसोम्स अलाइन अलाइन देमसेल्व्स, यानी सारे के सारे अरेंज हो गए हैं अलाइन देमसेल्व्स एट मेटाफेज प्लेट, एक प्लेन में आके। हमारे में 46 है तो पूरे 46 एक के नीचे एक लग जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्या होगा, सेकेंड ये होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं अब वो प्रॉपरली इन क्रोमोसोम्स पर जो सेंट्रोमियर है वहां जो काइनेटोकोर डिस्क है उनसे अटैच हो जाएंगे। सो सेकेंड क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस टू काइनेटोकोर बॉडीज ऑफ क्रोमोसोम्स आप लिख लेना। अब यहां पर डीएनए कितना है, अभी भी सेम वही है 4C, और क्रोमोसोम्स अभी भी वही है 4, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्या फर्क पड़ा है ध्यान से समझो, यहां पे क्रोमोसोम ऐसा था जैसे ये सेंट्रोमियर था, ये क्रोमोसोम था, और इस क्रोमोसोम में 2 डीएनए के थ्रेड्स थे, 1 और 2, ये 2 क्रोमोनीमा थे जो एक दूसरे के कार्बन कॉपी थे। और अब कैसा दिख रहा है हमें, अब हमें ऐसा दिख रहा है क्योंकि और कंडेंसेशन हो गया है, अभी भी वही है 1 डीएनए का थ्रेड और 1 डीएनए का थ्रेड, मतलब पहले ऐसा था अब दिख ऐसा रहा है, पर यहां पर भी 1 सेंट्रोमियर है, यहां भी 1 सेंट्रोमियर है, यानी टोटल 4 सेंट्रोमियर 4 क्रोमोसोम 4 सेंट्रोमियर 4 क्रोमोसोम। बट इस समय पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मोस्ट कंडेंस्ड होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कंडेंस्ड सबसे ज्यादा गाढ़े, और इसीलिए दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ, सो बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मैंने शेप नहीं कहा, मैंने कहा स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिकॉज इट क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड हियर। ठीक है, यहां पर भी 2 क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बहने, क्योंकि इनमें कार्बन कॉपी वाला डीएनए। अब यहां पे स्पिंडल फाइबर्स को ऑब्जर्व करो, 2 तरह के दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। इस वाले स्पिंडल फाइबर को ऑब्जर्व करो, ये 1 पोल से लेके 2nd पोल तक है, बीच में किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा, इसे इंटर पोलर फाइबर या कंटिन्यूअस फाइबर कहेंगे। स्पिंडल फाइबर ही है बट कंटिन्यूअस फाइबर, पोल टू पोल है, किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा। बट इस वाले फाइबर पर कॉन्सेंट्रेट करिए, ये पोल से लेके सेंट्रोमियर तक, यहां भी पोल से लेके सेंट्रोमियर तक, या काइनेटोकोर बॉडी एक ही बात है, तो इसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है, पोल टू पोल नहीं है, या क्रोमोसोमल फाइबर, क्योंकि क्रोमोसोम से अटैच्ड है, क्रोमोसोमल फाइबर। तो 2 टाइप के फाइबर्स देखने को मिलते हैं एम फेज।
राइट। यहां पर इस तरह से काइनेटोकोर डिस्क होगा और इस तरह से यहां पर ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए होंगे। डन, चलो इतना देखते हैं। सो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन मेटाफेज में। स्पिंडल फाइबर्स अटैचेस टू काइनेटोकोर एंड क्रोमोसोम्स आर मूव टू मिडिल इक्वेटर अलाइन देमसेल्व्स अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। एनसीईआरटी में क्या किया है, एक मेटाफेज का डायग्राम बनाया है और एक ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब अर्ली प्रोफेज, ये आपको पहचानना आना चाहिए। डायरेक्ट डायग्राम दे देंगे और आपसे इवेंट पूछ लेंगे, या इवेंट लिख देंगे और डायग्राम में से चूज करने को दे देंगे। तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, और अब ये कोशिश कर रहे हैं इक्वेटर में की तरफ मूव करने की। ये देखो कोशिश कर रहे हैं, स्पिंडल जुड़ने लगा है, ये जुड़ने लगा है और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो अभी ना प्रोफेज है ना मेटाफेज है, ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स मेटाफेज और ये मेटाफेज है। देखिए ये प्रॉपर टू सेंट्रियोल्स एट 90 डिग्री हैं, ये सब एस्टर रेज निकल रही हैं, ये बाकायदा प्रॉपरली अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर से और अब ये बन गए हैं। ये देखो ये क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ गए। मैं डायग्राम ऐसे में बना रही हूं क्योंकि मैंने पोल्स ऐसे बनाए हैं, एक ही बात है, राइट। सो दीज आर द फोर डायग्राम्स ऑल टुगेदर। अच्छे से देख लो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती हुई दिख रही है, यहाँ तो गायब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो यहाँ प्रोफेज खत्म हो चुका है और मेटाफेज भी नहीं हुआ अभी क्योंकि एक प्लेन में अरेंज नहीं है। ये मेटाफेज है, तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है और यहाँ क्रोमोसोम्स थोड़े पतले दिख रहे हैं, अच्छे कंडेंस दिख रहे हैं, तो ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। इतना डन हुआ। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्या होगा। ऑल डन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज वन सेकेंड, That is anaphase। अब ये बड़ी मजेदार है, क्यों है आइए समझते हैं। सो थर्ड anaphase। नाउ मैं यहां पे बनाती हूं सेल वापस से, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, वही स्पिंडल, ये apparatus तो बना हुआ ही है, ये रही, ये एस्टर रेज है, ये रहा। अब इसमें क्या होगा ध्यान से समझना। देखो ये ऐसा है ना क्रोमोसोम, है ना, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, यानी ये दोनों बहने क्रोमैटिड है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इधर पर भी फाइबर है, इधर भी फाइबर है, ये भी पोल से अटैच्ड है, ये भी पोल से अटैच्ड है, तो ये फाइबर इधर की तरफ खींचता है और ये इधर की तरफ खींचता है। शॉर्टनिंग होती है स्पिंडल फाइबर की, उसके कारण प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, सेंट्रोमियर टूटेगा, सेंट्रोमियर टूटेगा तो ये वाली बहन जो है, ये वाली बहन, ये इस तरफ जाने लग जाएगी और ये बहन इस तरफ, यानी बहनें अब अलग अलग हो रही है। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकती हूं और इसे भी हटाती हूं, क्यों अभी समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रोमियर ब्रेक, सेंट्रोमियर ब्रेक, और अगर सेंट्रोमियर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स, एक इधर मूव टू ऑपोजिट पोल्स। नाउ व्हाई, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ फाइबर्स, इसीलिए ट्रैक्शन हो रहा है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अगर कोई पूछेगा कितनी स्पीड से मूव करते हैं, तो एट 1 मिलीमीटर पर आवर इस स्पीड से होता है मूवमेंट, और हर क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए 30 ATP लगती है, यानी एनर्जी लगती है। तो 30 ATP पर क्रोमोसोम, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर क्रोमोसोम। सो सेंट्रोमियर ब्रेक्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। समझो कैसे, मैं बताती हूं। ये एक बहन है और ये इसकी दूसरी बहन है, ये अभी तक दोनों साथ थे पर अभी अलग हो गए। अब इसका सेंट्रोमियर अलग काउंट होगा, इसका सेंट्रोमियर अलग काउंट होगा। इसमें एक डीएनए का थ्रेड है, इसमें एक इसी की कार्बन कॉपी वाला डीएनए का थ्रेड है, राइट। और ये ऑफ कोर्स यहां से अटैच्ड है। ऐसे ही सपोज ये सेकंड वाला है, मान लीजिए सेकंड वाला क्रोमोसोम, ये लेट्स से थर्ड क्रोमोसोम है एंड लेट्स से ये फोर्थ क्रोमोसोम, दिस इज द फोर्थ क्रोमोसोम। इस तरफ ये मूव कर रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स हो रही है लाइक दिस, ऑपोजिट पोल्स की तरफ।
इनके बीच में थोड़े थोड़े स्पिंडल फाइबर्स हैं, मतलब फाइबर तो था ही ना, कि टूटने लगा है ऐसे लाइक दिस, और ये कुछ कुछ फाइबर्स तो ऐसे हैं कंटिन्यूअस वाले जो थे। यानी कि यहां पर कितने तरह के फाइबर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे, स्पिंडल फाइबर्स देखते हैं। देखिए ये कंटिन्यूअस वाला तो है ही, जो पोल टू पोल है, वो मेटाफेज में भी था यहां भी था। ये डिसकंटिन्यूअस वाला भी है, जो पोल से क्रोमोसोम की तरफ है, पर अब मैं इसे एक और नाम दे सकती हूं। यही वाला फाइबर है जो पोल से क्रोमोसोम की तरफ है, जो इस क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी ट्रैक्शन दे रहा है, तो अब मैं इसे एनाफेज में ट्रैक्टाइल फाइबर भी कह सकती हूं। ठीक है, और ये भी तो एक फाइबर देखने को मिल रहा है मुझे। ऐसा कुछ फाइबर मुझे यहां देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यहां दोनों क्रोमैटिड्स बहने साथ साथ थी, पर अब वो अलग हो रही है, तो उनके बीच में भी फाइबर देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल, जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में दिख रहा है, इंटरजोनल फाइबर। तो मेटाफेज में टू टाइप के फाइबर्स हैं, वन एंड टू, और एनाफेज में वन टू एंड थ्री टाइप के फाइबर्स दिखते हैं। ठीक है, 30 एटीपी पर क्रोमोसोम मूवमेंट में लगती है। अब एक बात समझो, ये मूवमेंट कैसे हो सकता था, ध्यान से समझना। देखो कैसे, ये था क्रोमोसोम मेटाफेज में, है ना, ये एक और ये दो, ये ब्रेक हुआ ऐसे। एक चांस ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने ऐसे बनाया है, यानी पोल की तरफ, पोल की तरफ सेंट्रोमियर है, और ये आर्म्स जो है ये पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसे इस वाले सिस्टर के भी पोल्स की तरफ सेंट्रोमियर है और आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, है ना, ऐसे ही तो हो रहा है, आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था जब ये टूटते तो आर्म्स पोल्स की तरफ होते और सेंट्रोमियर पीछे पीछे आता, हो सकता था ना ऐसा, ऑपोजिट हो सकता था कि नहीं, हो सकता था, पर ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इसी तरह से मूवमेंट होता है कि सेंट्रोमियर्स जो है वो पोल्स की तरफ है, आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाउ डू क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स विथ सेंट्रोमियर टुवर्ड्स पोल पोल्स एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, वो जो पी क्यू जो भी ट्रेलिंग बिहाइंड, वो आर्म्स जो है, इसी तरह से मूवमेंट होता है, ये फिक्स बात है, इसीलिए हमने डायग्राम ऐसा बनाया है। ठीक है, इसे हटा दूं अब मैं। चलो अब हम देखते हैं यहां पर डीएनए कितना है और क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्या कोई चेंज आया है। देखिए बताइए मुझे, आप क्या कहोगे, मैम डीएनए तो अभी भी उतना है, क्योंकि अभी सेल थोड़ी ना डिवाइड किया, टोटल इस सेल में कितना है, देखो यहां पे टोटल 4C था, तो उतना ही तो यहां पर है, बस बहने अलग अलग हुई हैं। पहले इस एक क्रोमोसोम में दोनों बहने थी तो 2 DNA के थ्रेड थे, अभी दोनों अलग अलग हो गई, पर टोटल तो अभी भी 2 DNA के थ्रेड ही है ना, तो कुल मिलाकर डीएनए तो अभी भी उतना ही है, 4C। बिल्कुल सही। अब क्रोमोसोम का नंबर कितना माने, भाई ये बहने अलग अलग हो गई, इनकी शादी हो गई, इनके अपने अपने घर हैं, अपना अपना सेंट्रोमियर है, तो अब हर क्रोमैटिड को एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम का दर्जा दिया जाएगा, यानी यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रोमोसोम्स माने जाएंगे, 2N = 8। ये कहानी में ट्विस्ट आ गया है स्टूडेंट्स, अभी तक क्रोमोसोम नंबर पेरेंट जितना चला आ रहा था, यहां क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। आप कहोगे मैम हमें तो सेम रखना है, अभी सब रखेंगे अपन, एनाफेज के कारण से क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, यानी हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, किसी भी सेल में सेंट्रोमियर देख लो कितने हैं, उतने क्रोमोसोम माने जाएंगे। यहां पर 1, 2, 3, 4 सेंट्रोमियर है, 1, 2, 3, 4 सेंट्रोमियर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंट्रोमियर है, ऑल डन। ये फॉर्मूला या कई क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा देगा, ये एक फॉर्मूला जो है। अब मैंने कहा था दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम, अगर आपको याद हो, बेस्ट स्टेज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बताया था टू स्टडी क्रोमोसोम शेप, वो मैंने क्यों कहा था, अब आपको समझ में आएगा, और मैंने आपसे कहा भी था मैं यहां पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर नहीं शेप, शेप। जब ये इस तरह से जा रहे हैं तो कितना इजी है पता लगाना, देखो अगर ये ऐसा है तो मेटासेंट्रिक, ऐसा है तो सब मेटासेंट्रिक, ऐसा है तो एक्रोसेंट्रिक, और ऐसा है तो टीलोसेंट्रिक। तो बहुत अच्छे से हमको शेप्स दिखाई देते हैं, यहां शेप नहीं दिख रहा अच्छे से,
यहाँ बहुत क्लियरली शेप दिखता है, राइट? सो मोस्ट कंडेंस्ड है, सो बेस्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर इज मेटाफेज, बट शेप के लिए सबसे शानदार होता है एनाफेज। अब इसके बाद ये सेल एंटर करेगा लास्ट स्टेज में, बट उसके पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। चलो देखते हैं, आ रहा है समझ में, मजे आ रहे हैं। एनाफेज, नाउ एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अभी भी कहां पर अरेंज्ड है, मेटाफेज प्लेट पे। ये स्प्लिट करेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे स्प्लिट करेंगे, तो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग हो गए, यानी अब दो अलग अलग डॉटर क्रोमैटिड्स हो गए। अब हम इन्हें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कहेंगे, नाउ रेफर्ड टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी कि अब इसके बाद में क्या होने वाला है, ये ऐसे डिवाइड करने वाला है साइटोप्लाज्म, तो ये इधर अलग सेल में चला जाएगा, ये अलग डॉटर सेल में चला जाएगा, तो ये फ्यूचर डॉटर सेल का जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है उसके फ्यूचर क्रोमोसोम्स हैं, और ये फ्यूचर डॉटर सेल का जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई है उसके फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स हैं, ये कहना चाह रहे हैं, राइट? तो नाउ दे विल बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स। नाउ एज ईच क्रोमोसोम मूव्स, सेंट्रोमियर जो है दैट इज टुवर्ड्स द पोल, यानी लीडिंग एज है वो आगे आगे जा रहा है, और आर्म्स जो है वो पीछे पीछे आ रहे हैं, यानी ट्रेलिंग बिहाइंड। हर वर्ड समझ में आ गया? तो हम क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या हुआ है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, एंड क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। तो एनाफेज का डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अभी भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखो ये स्पिंडल फाइबर कैसा हो गया है, और ये देखो ये सिस्टर, ये एक था, ये एक, ये अलग अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, ऑल डन। डॉटर क्रोमैटिड बोलो क्योंकि अगले फ्यूचर जनरेशन के डॉटर क्रोमोसोम्स है। नाउ वी कम टू टीलोफेज, नाउ व्हाट विल हैपन इन द टीलोफेज, लेट्स स्टडी। सो द फोर्थ स्टेज इज, ओप्स वन सेकेंड, अपन हर बार गड़बड़ करते हैं, टीलोफेज फोर्थ, टीलोफेज। अब टीलोफेज बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस प्रोफेज का ऑपोजिट होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज क्या होगा समझो, ध्यान से देखना। यहां क्या हुआ था, क्रोमैटिन ने कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाया था, यहां पे क्रोमोसोम्स ये यहां पहुंच गए, ये यहां पहुंच गए, ये डीकंडेंस होके फिर से क्रोमैटिन का धागा बना लेंगे। तो फर्स्ट इज क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म या इनटू क्रोमैटिन, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, अलग से अब क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, ये ऐसा दिखेगा, ये भी ये धागा। नाउ नंबर टू, यहां पे क्या हुआ था, स्पिंडल फाइबर अपैरेटस फॉर्म हुआ था, यहां पे वो डिसॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, सो स्पिंडल, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, तो स्पिंडल अपैरेटस डिसॉल्व, यानी ये तो है साइटोप्लाज्म के अंदर, इधर का सेंट्रोसोम और इधर का सेंट्रोसोम, पर अब स्पिंडल फाइबर नहीं दिख रहा। थर्ड क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस ईआर गॉल्जी बॉडी डिसअपियर हो गया था, अब वो सब रीअपियर हो जाएगा, तो ये इसका बन गया, ये इधर बन गया, और न्यूक्लियोलस वगैरह भी बन जाएगा, यानी न्यूक्लियर एनवलप न्यूक्लियोलस ईआर गॉल्जी बॉडी एवरीथिंग रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आरईआर से बनता है, और न्यूक्लियोलस क्या हुआ होगा, वो जो 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम्स अगर मेल है तो उसमें जो सैट क्रोमोसोम्स थे उसका वो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन था जिसे एनओआर कहा था, तो इन क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं वो वाले क्रोमोसोम्स भी होंगे, उनके एनओआर से न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। ज्यादा डिटेल अपन नहीं पढ़ रहे हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज। नाउ टीलोफेज में क्या कहोगे, कितना डीएनए है अभी भी टोटल, क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं करा, तो अभी हम इसको वन सेल ही मानेंगे, तो अभी भी इसमें 4C डीएनए है, और अभी भी इसमें क्रोमोसोम नंबर 8 मानेंगे, 4 इधर 4 इधर, जैसा यहां था, ठीक है? तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। चलो पहले इतना देखते हैं, सो व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज, क्रोमोसोम्स क्लस्टर होंगे ऑपोजिट पोल्स पर, एंड आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब वो जो क्रोमोसोम के फॉर्म में थे, एक आइडेंटिटी बनाई थी, वो लॉस्ट हो गई, यानी वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए। देखो ये पूरा जाल बन गया क्रोमैटिन का, यहाँ कोई क्रोमोसोम का अस्तित्व नहीं दिख रहा है, राइट? तो हम यहां पर इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट यहां पर इसी पॉइंट को लिखती हूं, क्रोमोसोम आइडेंटिटी
आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब अलग से क्रोमोसोम नाम की कोई चिड़िया हमें नहीं दिखेगी क्योंकि वो वापस भी कंडेंस होके क्रोमैटिन बना लिया. डन. नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आ जाएगा और न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ आ जाता है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, एवरीथिंग रिफॉर्म्स, और स्पिंडल फाइबर डिसॉल्व हो जाता है जो यहां नहीं दिया. सो दिस इज टीलोफेज, ये और ये सेम डायग्राम है. कैसे पहचानेंगे टीलोफेज? टीलोफेज पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो स्पिंडल अपैरेटस नहीं दिख रहा और ये न्यूक्लियर एनवेलप दिखने लग जाता है और कोई क्रोमोसोम का अस्तित्व अलग से हमें नहीं दिख रहा है, सो दैट मींस इट इज टीलोफेज. ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही. और अब इसके बाद, ये तो डी है, ये रहा टीलोफेज, अब इसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिविजन होगा. अब क्या होगा समझिएगा. सो अभी हमारी स्टोरी वहां तक थी एंड अब दिस विल बी फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिविजन. तो अगर एनिमल सेल है तो आपको पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से ग्रूव बनाना शुरू करेगी और ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा तो दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे. चलिए मैं बना के दिखाती हूं. अब हमारे दो डॉटर सेल्स बन गए, यानी ऐसा रहा होगा इस तरह से पहले, ठीक है, और करते 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 ये ग्रूव पूरा गहरा हुआ होगा, राइट. सो अब फाइनली वी विल गेट टू डॉटर सेल्स. ये दोनों के पास, ध्यान से देखो लास्ट वाला डायग्राम, आप एक साथ बनाना कॉपी में, अपना अपना एक वो सेंट्रोसोम है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब कुछ है और ये पूरा का पूरा क्रोमैटिन है. सो दीज आर द टू डॉटर सेल्स. अब मुझे बताओ एक डॉटर सेल के अंदर कितना डीएनए होगा. यहां टोटल 4C डीएनए है तो दोनों में 2C डीएनए आ जाएगा, और यहां टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं तो यहां दोनों में 4 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. कंपेयर करिए इन्हें पेरेंट के साथ, 2C और 4, ये रहा 2C और 4, आगे कहानी. तो मुझे सोच के बताओ कि क्यों डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट्स जितना डीएनए आया, बताओ क्यों डॉटर सेल के अंदर पेरेंट जितना डीएनए आया. इस एस के कारण, क्योंकि एस में डबल किया था, तभी तो जब डबल करके दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों में पेरेंट जितना आ गया, यानी डीएनए की फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी मैंने यहां कराई थी, तब मैंने मेरे दो स्टूडेंट्स को सेम पेज की कॉपी दे दी. और क्रोमोसोम का नंबर सेम क्यों रहा, क्योंकि उसकी डबलिंग एनाफेज में हुई थी, सेंट्रोमियर स्प्लिट के कारण. अगर ये स्टेज नहीं आती, 4 क्रोमोसोम्स ही रहते तो दोनों डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम जाते जो पेरेंट का आधा होता, तो फिर कैसे बनता ये इक्वेशनल डुप्लीकेशन या सोमैटिक सेल डिविजन. आए मजे, ऑल डन. चलिए इतना देखते हैं.